नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं वैवाहिक जीवन के ऊपर कुछ सीरीज बना रहा था, जिसमें दो वीडियो ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं वैवाहिक जीवन के लिए, कि वैवाहिक जीवन इंसान का कैसा रहेगा, क्या क्या वैधव्य योग होते हैं, क्या क्या विदुर योग होते हैं, वैवाहिक जीवन खुश रखने के लिए क्या योग रिक्वायर्ड है, वैवाहिक जीवन में दुखी रहने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें मैंने आपको इसमें प्रेजेंटेशन में भी दिखाई और आपने शायद नोट भी करी हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सब आपको याद रखनी है, याद क्या रखनी है, समझनी है, ताकि जब भी कभी कोई कुंडली देखें तो उसमें चीजों को आप अप्लाई कर सकें। आज उन्हीं चीजों की मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी कोई कुंडली देखें तो उस कुंडली में ये देखें कि कौन सा भाव के लिए आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, तो विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो जाहिर है कि सातवां भाव आप देखेंगे, सातवां भाव विवाह को प्रदर्शित करता है। तो सातवें भाव से जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उनमें उनको देखने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह की वहां पे दृष्टि है, वहां पे पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, या वहां पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, भाव कहीं पाप का त्रियोग में तो नहीं, कारक कैसा है भाव का। तो सबसे पहले यही अहम चीजें होती हैं किसी भाव को स्टडी करने के लिए, कि भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं और कारक को देखते हैं, क्योंकि भाव से मजबूत होता है भावेश और भावेश से मजबूत होता है कारक। ये एक स्किन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो भाव देखने के लिए हमेशा ये देखें कि उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी ग्रहों की दृष्टि है, कैसा प्रभाव है, और भावेश के लिए भी सेम देखें कि भावेश केंद्र त्रिकोण में गया, लाभ भाव में गया या 6-8 बारे में गया, उसके ऊपर कैसा प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है। और सिमिलरली कारक के लिए भी ये देखें कि कारक में केंद्र त्रिकोण में गया, कहां गया और उसके ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव है। ये सब देखने के बाद ही ये चीज आप निकाल सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग एक कुंडली, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है, आपको शायद समझ में आ जाए। पहले मैं इसको शेयर स्क्रीन कर देता हूं ताकि देखने में थोड़ा सिंपल रहे। ये कुंडली है और इसमें ये एक कुंडली है, एक फीमेल जातक की कुंडली है। इस फीमेल जातक की कुंडली में आप देख रहे हैं कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 मार्च 1980 है। जो समय है जन्म का वो 17:15 यानी शाम के 5:15 है और बरेली उत्तर प्रदेश। ये कुंडली को आप भी नोट कर सकते हैं और आप भी बना के इसको देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसमें साफ जाहिर है कि अगर हम इसका सातवां भाव देखें तो सातवें भाव में सूर्य, केतु और बुध तीन ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य हालांकि लग्नेश है और केतु पाप ग्रह है और सूर्य के साथ रह के बुध भी पाप ग्रह की श्रेणी में ही काउंट होता है, यानी कि दो पाप ग्रह बैठे हुए हैं और एक लग्नेश बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर। अगर आप देखें इस भाव पर दृष्टि तो भाव देख रहे हैं, भाव किसी पाप कतरी या किसी शुभ कतरी योग में नहीं है, यानी भाव के दोनों ओर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो भाव में दो पाप ग्रह है। अब भाव पर दृष्टि देखते हैं तो भाव पर दृष्टि अगर हम देखें तो दृष्टि देखने के लिए आप देख सकते हैं कि राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है भाव के ऊपर, यानी दो पाप राहु की दृष्टि है, लेकिन साथ में जुपिटर की दृष्टि भी है। तो इसमें एक चीज ये हो गया कि सूर्य लग्नेश लग्नेश को सप्तम भाव में जाने से और यहाँ जुपिटर की दृष्टि से इतना तो तय हुआ कि इस कुंडली में विवाह तो लिखा हुआ है, एक विवाह तो उस कुंडली में लिखा हुआ है, लेकिन विवाह के अंदर प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि भाव पीड़ित है, भाव में दो पाप ग्रह बैठे हैं और दो पाप ग्रहों की दृष्टि भी भाव के ऊपर पड़ रही है। अब इसका भावेश अगर देखें तो भावेश देखिए,
भावेश इसका शनि बनता है क्योंकि इसका स्वामी शनि है, शनि स्वामी बनता है, धन भाव में चला गया है और मित्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसी भावेश को हम D9 चार्ट में देखें तो D9 चार्ट में ये भावेश शनि आठवें भाव में आ जाता है, जो कि एक काफी हानिकारक चीज है। यानी कि इसमें शनि की स्ट्रेंथ यानी भावेश की स्ट्रेंथ भी बहुत कमजोर हुई है, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी ग्रह की स्ट्रेंथ है D1 में, जो ग्रह हैं उनकी स्ट्रेंथ को हमें D9 में भी चेक करना चाहिए कि D1 में बैठे ग्रह D9 में किस पोजिशन में है, तभी हम स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें मालूम चला कि जो यहाँ भावेश है सातवें भाव का, वो भले ही यहाँ धन भाव में गया हो बट D9 में ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिससे कि भावेश का भी नुकसान हुआ है। अगर हम यहाँ कारक देखें, कारक कौन बनता है, कारक बनता है शुक्र। शुक्र अगर आप देखें तो शुक्र यहाँ पे त्रिकोण में गया है, शुक्र यहाँ पे त्रिकोण में गया है, यानी ये अच्छी बात है। बट अगर D9 में देखें तो D9 में भी शुक्र बारहवें भाव में चला गया है और बुध के साथ और राहु के साथ वहां पे बैठा हुआ है, यानी पाप ग्रहों के साथ वहां पे बैठा हुआ है, युति है इसकी, यानी कारक भी कमजोर हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाव भी कमजोर है, भावेश भी कमजोर है, कारक भी कमजोर है। तो सिंपल सी बात है कि वैवाहिक जीवन में एक हमेशा प्रॉब्लम इनके नजर आ रही है और विवाह जीवन में प्रॉब्लम हमेशा इनके रहेगी। सूर्य चूंकि लग्नेश वहां बैठा हुआ था सातवें भाव में और जुपिटर की दृष्टि थी, तो इन्होंने विवाह का योग तो बनाया, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है किसी भी काम के होने में, तो विवाह का योग तो बनाया। परंतु साथ ही साथ केतु और बुध और यहाँ पे राहु और मंगल की दृष्टि के कारण ये भाव बहुत कमजोर हो गया। तो जब भाव कमजोर हुआ, भावेश कमजोर हुआ, कारक कमजोर हुआ, तो इसका मतलब है कि उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स की हानि हुई, यानी इस भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और आप इसमें एक चीज देखते भी हैं कि हम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि सूर्य शनि और राहु ये ऐसे ग्रह हैं जो पृथकतावादी हैं, जो सेपरेटिव प्लैनेट्स कहे जाते हैं, यानी इनकी नजर जहां पड़ती है या जहां ये बैठते हैं उस जगह से आदमी को अलग कर देते हैं, उस भाव से आदमी को अलग कर देते हैं। तो आप देखिए कि सूर्य सातवें घर में बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की दृष्टि भी है, तो दो पृथकतावादी ग्रह आपस में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि शो करता है कि इसमें डाइवोर्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि बाद में जाके शादी के कुछ दिनों बाद जाके हुआ। तो दूसरी चीज इसमें अगर एक और चीज देखें कि क्या इस कुंडली में आगे भी सुख है विवाह का, तो उसको देखने के लिए सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि हमेशा लग्न देखिए और विवाह का स्वामी का एक्सिस देख लीजिए D1 कुंडली में कि क्या है। अब लग्न जो है, लग्न आपका सूर्य है लग्नेश और ये है शनि, तो सूर्य और शनि का अगर हम एक्सिस देखें, यानी सूर्य शनि, सूर्य से शनि आठ घर दूर है और शनि से सूर्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य और शनि का 6-8 का एक्सिस बनता है, षडाष्टक का एक्सिस बनता है, जो कि अपने आप में काफी गलत होता है। और षडाष्टक का एक्सिस होने से ये दिखाता है कि शादी में आगे भी शादी को अगर होती है तो शादी में सुख नहीं है। दूसरी बात, किसी भी स्त्री कुंडली के अंदर अगर जुपिटर पीड़ित हुआ, किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, तो भी हम कह सकते हैं कि शादी का सुख नहीं है। और किसी स्त्री कुंडली में अगर जुपिटर पीड़ित है तो हम कह सकते हैं कि पति का सुख नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जुपिटर राहु और मंगल के साथ है और उस पर सूर्य केतु और बुध की दृष्टि है, इससे ये साफ जाहिर है कि जुपिटर यहाँ पे पीड़ित है। तो ये होने से मतलब इसे पता चलता है कि इस कुंडली में प्रॉब्लम इसके अंदर रही है। जो छोटी मोटी चीज अगर हम देखें तो जैसे शनि है, शनि यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और शनि क्या होता है, शनि होता है दुख का कारक, चंद्रमा होता है मन का कारक। तो दुख और मन जब मिलते हैं तो मानसिक तनाव, ऐसे जातक को मानसिक तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है जब शनि और मून साथ साथ बैठे हुए। उसके अलावा अगर हम इनकी जन्मकालीन दशा देखें, क्योंकि जन्मकालीन दशा का प्रभाव किसी भी जातक के ऊपर, उसकी नर्चरिंग के ऊपर पूरा पड़ता है, ओवरऑल इफेक्ट जन्मकालीन जगह का पड़ता है। अगर हम जन्मकालीन दशा इसकी देखें, जन्मकालीन दशा चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा में बुध की जन्मकालीन दशा थी। और बुध कहाँ है, बुध आपका सातवें भाव में है, सातवें भाव में है, सूर्य के साथ है, राहु मंगल से त्रस्त है, केतु के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी अंतर दशा थी जन्म के समय,
वो सातवें भाव के रिजल्ट भी दे रहा था, आपके सातवें भाव का रिजल्ट दे रहा था, तो जिसकी वजह से छठे भाव के रिजल्ट भी वो एक्टिव कर रहा था, जिसकी वजह से हुआ ये कि हमेशा इस फीमेल जातक के जीवन में छठे का और यानी कि सातवें भाव का और दूसरे भाव का परेशानी रहेगी। यानी सातवें भाव से मतलब वैवाहिक जीवन से और दूसरे भाव से मतलब धन की समस्या से इस जातक के जीवन में परेशानी रहेगी, क्योंकि पैदा होते ही इनको जो दशा मिली थी उसने ये भाव व्यक्त किए थे और वो दशा अनुकूल दशा नहीं थी, प्रतिकूल दशा। इसी में मैं आपको एक दूसरी कुंडली दिखाता हूँ, वो भी जालंधर से मिली थी कुंडली मेरे पास आई थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि उसके अंदर भी आप देखिए कि क्या चीज आती है। जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में अगर आप देखें तो इस कुंडली में लग्नेश पत्ता है बृहस्पति, बृहस्पति की सातवें भाव पे दृष्टि है, तो सीधा सा सिंपल प्रिंसिपल है कि बृहस्पति की दृष्टि सातवें भाव पे है, तो कहने का मतलब ये है कि शादी का योग तो इसमें कुंडली में दिखाई पड़ता है कि विवाह तो कुंडली में होना है। लेकिन साथ में सूर्य की दृष्टि भी है और सूर्य की दृष्टि जो है वो सेपरेटिव होती है, तो थोड़ा सा सेपरेटिव इफेक्ट भी पैदा करती है विवाह से सूर्य की दृष्टि यहाँ पर होने से। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे जुपिटर है, जो लग्नेश है, उसको अगर आप देखें तो जुपिटर में एक तरफ इसके वीनस है, एक तरफ इनके चंद्रमा और केतु वगैरह बैठे हुए हैं। अच्छा, जुपिटर लग्न का स्वामी है और सप्तम का स्वामी कौन सा है? सप्तम का स्वामी है बुध। बुध को अगर आप देखें, यानी भाव अगर देखें, तो भाव पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन भाव पे सूर्य की दृष्टि आ रही है जो सेपरेटिव इफेक्ट पैदा करती है। साथ में जुपिटर की दृष्टि भी है जो दिखाती है कि विवाह का योग बनता है, तो भाव ठीक ठाक है। अगर हम भावेश देखें तो भावेश बनता है बुध। बुध को अगर आप देखना चाहें तो बुध गया है बारहवें भाव में, जो अपने आप में अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, वो केतु के साथ वहां बैठा है, चंद्रमा के साथ वहां बैठा है, चंद्रमा भी यहाँ पे पाप ग्रह की तरह काम करेगा क्योंकि ये पूर्ण मासी के नजदीक चंद्रमा आ रहा है और ये क्षीण चंद्रमा हो जाता है, तो केतु और बुध चंद्रमा के साथ दो पाप ग्रहों के साथ बैठा होने से ये भी भावेश भी निर्बल पड़ गया है। उसके अलावा भावेश बुध जो है वो सूर्य और शनि दो ग्रहों के बीच में है, यानी पाप कत्री योग में है, जो कि अपने आप में बहुत हानिकारक चीज है। किसी का पाप कत्री योग में होना बहुत ज्यादा हानि प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भावेश की बहुत हानि प्रदर्शित करता है कि भावेश सूर्य और शनि के बीच में पाप कत्री योग में बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भावेश बहुत कमजोर हुआ। कारक देखें, कारक बनता है इसका, शादी का कारक कौन बनता है? शुक्र। शुक्र को अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है दूसरे भाव में, ठीक है, कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन लेकिन सूर्य शुक्र भी सूर्य और मंगल दो पाप ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, यानी यहाँ शुक्र भी आपका कारक जो है वो भी पाप कत्री योग में आपका बैठा हुआ है। और यहाँ शुक्र अगर आप देखें D9 चार्ट के अंदर, तो यहाँ भी वो शनि के साथ बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है, एक पाप ग्रह के साथ ही वहां बैठा हुआ है, आल्दो केंद्र में है लेकिन वहां पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है। बट शुक्र का अपने आप में पाप कत्री योग में होना एक बहुत ही हानिकारक चीज है, तो जिससे ये चीज दिखाता है कि इसके जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इन दोनों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, बट इन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो सब चल रहा है, तो उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर मान लिया दो या दो से अधिक सेपरेटिव ग्रहों की दृष्टि सातवें भाव पे होती तो हम कह सकते थे कि डाइवोर्स हो जाएगा, यानी सूर्य और राहु की दृष्टि होती या सूर्य शनि की दृष्टि होती या सूर्य शनि यहाँ बैठे होते सातवें भाव में या सूर्य राहु यहाँ बैठे होते तो हम कह सकते थे कि डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक ही पाप ग्रह की दृष्टि है तो स्थिति तो ऐसी है जैसे सेपरेटिव स्थिति होती है, डाइवोर्स की स्थिति होती है, बट जुपिटर की दृष्टि के कारण वो दोनों आपस में बंधे हुए हैं और उनमें आपस में गला नहीं हो पा रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दो कुंडलियां दिखाई, आपको इस तरह से देखना है कि जब भी आप देखें, भाव देखें, भावेश देखें, कारक देखें, ये देखें कि उन पर कैसी दृष्टि है, कैसा प्रभाव है, कैसे ग्रहों के साथ वो बैठे हैं, कहीं पाप कत्री योग में तो नहीं, डी लाइन में उसकी स्ट्रेंथ चेक करें और उसके बाद डिसाइड करें कि वैवाहिक जीवन कुंडली में कैसा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों कुंडलियां समझ में आई होंगी, समझ में आए तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
यही लाइक, आपका यही शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।